अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमने सिक्स क्लास के कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, बट ये बेसिक एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर के, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के। अगर आप लोग वो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या वन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि 80% जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्लामियात, साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बेसिक मैथ, ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से कवर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कैनर है, हमने स्कैनर को देखना है। स्कैनर क्या होता है? एक इंपोर्टेड डिवाइस होता है। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर इज अ डैश डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर क्या होता है? एक इंपोर्टेड डिवाइस होता है। नेक्स्ट है स्कैनर यूज टू स्कैन डैश इन टू द कंप्यूटर। स्कैनर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेक्स्ट और इमेजेस को स्कैन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द डैश यू कैन कैप्चर योर इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड और क्या कर एंड कन्वर्ट इट इन टू द डिजिटल फॉर्मेट फ्रॉम द इजी स्टोरेज। और कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में किसके ज़रिए से? स्कैनर के ज़रिए से। नेक्स्ट है देयर आर द टू टाइप ऑफ द स्कैनर। स्कैनर की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक कॉन्टैक्ट और दूसरी लेज़र। नेक्स्ट है डैश कॉन्टैक्ट स्कैनर मेक द कॉन्टैक्ट हैज दे आर मोस्ट ओवर द प्रिंटर्स मटीरियल टू बी द रीड। स्कैनर क्या करता है? ईजी कर देता है रीड करने के लिए, बट किसके ज़रिए से? हैंड हेल्ड के ज़रिए से। नेक्स्ट है डैश स्कैनर्स आर द मोर वर्सटाइल एंड कैन बी रीड द डाटा पास नियर द स्कैनिंग। किसके ज़रिए से हम डाटा को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं? स्कैनर बेस्ड के ज़रिए से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे का हम उनसे यूज़ देखते हैं। डिजिटल कैमरा और स्कैनर ये दोनों के दोनों क्या होती है? एक इंपोर्टेड डिवाइस होती हैं। इसका फर्स्ट हमसे यूज़ है डिजिटल कैमरा इज़ एन अ डैश डिवाइस इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है डैश इज़ यूज टू मेक द पिक्चर एंड स्टोरेज देन इन द कंप्यूटर्स। किसके ज़रिए से हम पिक्चर ले सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में? डिजिटल कैमरा के ज़रिए। नेक्स्ट है कि मोस्ट डिजिटल कैमरा कनेक्टेड टू बी द कंप्यूटर बाई प्लगिंग इट इन इट। बहुत से डिजिटल कैमरा को हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। किसके ज़रिए से? यूएसबी के ज़रिए से। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरीज़ बस। इसके भी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद कर लेनी है, क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है द डॉट्स दैट कंपोज द इमेज ऑफ द डिजिटल फोटोग्राफ आर कॉल्ड टू बी द पिक्सल्स। किसके ज़रिए से हम डिजिटल अपनी पिक्स ले सकते हैं? पिक्सल्स के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किसके लिए यूज़ किया जाता है? माइक्रोफोन के ज़रिए से हम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट कंप्यूटर का। इसका जब हम एमसीक्यू देखते हैं, फर्स्ट डैश इज़ बी द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्डिंग द वॉइस इन अ कंप्यूटर। किसके ज़रिए से हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर? माइक्रोफोन के ज़रिए से। ये देखें स्कैनर और डिजिटल कैमरा और मदरबोर्ड, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए, क्योंकि पेपर में इनपुट डिवाइस के ज़रिए से भी पूछा जा सकता है कि इनपुट डिवाइस वाले कौन से हैं। बहुत ज़्यादा पेपर्स में पीपीएससी के पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइसेस के नेम। नेक्स्ट है कि ये माइक्रोफोन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 72 विच इनपुट डिवाइसेस अलाउज ओनली द वॉइस कम्युनिकेशन। किसके ज़रिए से हम सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं? माइक्रोफोन के ज़रिए से। नेक्स्ट है मदरबोर्ड्स। मदरबोर्ड्स के एमसीक्यूज़ देखते हैं। मदरबोर्ड इज़ आल्सो नोन हैज द सिस्टम बोर्ड्स। मदरबोर्ड्स को हम क्या करते हैं? सिस्टम बोर्ड भी कहती हैं। नेक्स्ट है मदरबोर्ड इज़ डैश। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड डैट कनेक्ट्स द सीपीयू एंड द चिप्स। सीपीयू के फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू की भी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद कर लेनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर्स में, पीपीएससी के डिफरेंट पेपर्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कंपोनेंट अटैच टू विद द मदरबोर्ड्स। कौन से कंपोनेंट हैं जो मदरबोर्ड के साथ अटैच किए जाते हैं? प्रोसेसर भी इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों के अटैच की जाती है। मेमोरी चिप्स ये भी अटैच किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि सारे के सारे किसके साथ अटैच किए जा सकते हैं? कंप्यूटर के साथ, मदरबोर्ड के साथ अटैच किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द मेमोरी आर बी लोकेटेड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है सीपीयू एंड द मेमोरी आर बी लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये देखिए अभी मदरबोर्ड के इधर से पूछे हुए थे ना कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे किसके अंदर कनेक्ट करते हैं? मदरबोर्ड के अंदर ही होते हैं।
नेक्स्ट है मदरबोर्ड इज आल्सो नोन हैज द, मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, पीसीबी। पीसीबी को भी आप लोगों ने इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस की देखते हैं एमसीक्यूज। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द मेमोरी आर बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के अंदर कितनी मैम इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं, दो होती हैं। इसके एमसीक्यूज हम कल करेंगे, आज हमने तीन टॉपिक कवर किए, एक स्कैनर, डिजिटल कैमरा और मदर माइक्रोफोन एंड मदरबोर्ड, चार टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। इसके एमसीक्यूज भी हमने देख लिए, आप लोग इन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करते रहें, ये बेसिक एमसीक्यूज हैं ये देख लें। बट अगर आप लोग पीपीएससी के ओल्ड पेपर भी उठाते हैं किसी भी एग्ज़ाम कोई भी हो पोस्ट, तो उनमें एमसीक्यूज अगर ये कंप्यूटर के हैं तो आप लोग इधर से देख सकते हैं कि ये वाले एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें।